अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। आज जो है नेक्स्ट डे स्टार्ट हो चुका है और हम जा रहे हैं मेरे बालों को हाल चेक करो। कल मैं क्योंकि सारा दिन बस सोई हूँ। अभी हम जा रहे हैं ब्रेकफास्ट करने, रेडी होके। ब्रेकफास्ट में क्या होता है यहाँ पे, आई थिंक इनका भी बुफे है, देखते हैं। और अगर मुझे अच्छा लगा तो फिर मैं बताऊँगी, अगर नहीं लगा फिर ये है जोकर। किधर गए आप, छुप के रहे हैं सामने? हिम्मत है मेरे बालों का हाल देखो, ये आपकी वजह से हुआ है क्योंकि आप मुझे कॉम नहीं करने दे रहे थे। जल्दी करो, जल्दी करो गाइस। चलो फिर मिलते हैं थोड़ी देर तक। यहाँ पर मास्क पहनना बहुत ज़रूरी है। मैं ना ब्रेकफास्ट में, मुझे समझ ही नहीं आ रही थी क्या लूँ। इतना मतलब कि चाइनीज़ टाइप का नाश्ता था, लाइक जो लोग ये पसंद करते हैं कोरियन टाइप, नूडल्स वगैरह। उसके बाद मैं ये चीज़ें नहीं खाती हूँ, शुक्र है। मुझे मिल नहीं रहा था। सो मैंने ये लिए वेजिटेबल्स विद राइस, मैंगो ऑमलेट एंड बीन्स, फ्रूट्स, कोसा। और कुछ चाहिए? नहीं, वो आपका कौन सा जूस है? मेरा गावा है, अमरूद। अब मेरा भी दिल कर रहा है गावा पीने का, वो फ्रेश भी है। मैं फ्रेश ब्रेकफास्ट हमने कर लिया। ब्रेकफास्ट मुझे तो बहुत अच्छा लगा, आपको कैसा लगा? कि अब हमारा प्लान है कि हम जाएंगे, एक घंटा हमारे पास, 10 o'clock ओपन होना है मॉल, फिर हम रेडी होते हैं। अब मेरा हॉल चेक के पहले मैं शॉवर लूँगी, ओके, एंड देन जो है हम रेडी होके जाएंगे मॉल। वैसे देखते हैं वगैरह कि यहाँ पे कैसा सब, क्योंकि जब से है तब से हम बाहर नहीं निकले, होटल में ही है। और एक तो जगह पर हमने और जाना है, फिर मैं साथ साथ ब्लॉग्स रिकॉर्ड करूँगी। अब रेडी होते हैं, मैं थोड़ा थोड़ा मैं रिव्यू दे देती हूँ। सनस्क्रीन जो है मैंने फेस के लिए आज ये अप्लाई किया है, जैसे कि मैंने आपको हर लास्ट वीडियो में, बॉडी के लिए भी इसी का यूज़ करती हूँ और फेस के लिए भी यही यूज़ करती हूँ। तो फेस के लिए कुछ ऐसा ही ये मैंने अप्लाई किया आज। और इसके बाद मैंने ये अप्लाई किया है, ये जो नियासिनामाइड ग्लोर एसपी का नियासिनामाइड है, फ्यू ड्रॉप्स इसके लगाए हैं मैंने। एंड देन रिकॉर्डिंग हो रही है जो, और ये टार्ट का जो है ये कंसीलर, ये मैंने अप्लाई किया। दैन मैं सब यही चंद चीज़ें लेके आई, हर चीज़ में एक एक लेकर आई हूँ इस दफ़ा। और बाकी जो है अभी मैं फाउंडेशन का सोच रही हूँ ये वाले लगाऊँ, लेकिन ये जो है ये आई थिंक मीडियम कवरेज, हाँ यही डे टाइम के लिए यही सही रहेगी। और इसमें SPF भी है जो आपको सनस्क्रीन से, सॉरी सन की रेज से आपको प्रोटेक्ट करता है। एंड देन बाकी ये सारी चीज़ें जो है, ये जो है ये मेकअप रिमूवर के लिए मैं लेकर आई हूँ, बाकी मैं आपको साथ साथ बताती रहूँगी। और हेयर के लिए जो है वो मैं ये हेयर हीट प्रोटेक्टिंग स्प्रे ये वाला यूज़ करती हूँ, HSI की आर्गन ऑयल है इसमें। ये है कि एंटी फ्रीज भी है और हेयर को प्रोटेक्ट भी करता है, नेचुरल हेयर एक्सटेंशन, मतलब इसके बहुत सारे फ़ायदे हैं। और इसमें ऑयल भी सब आर्गन ऑयल है जो हमारे बालों के लिए बहुत ज़रूरी है। तो ये अप्लाई कर किया मैंने। और बाकी जो है ये सीरम केरास्टेज का जो मैं अपने बालों पे लगाती हूँ आफ्टर शावर, इससे ये कि आपके बाल बहुत स्मूथ हो जाते हैं, जैसे ऊपर से खड़े खड़े जाते हैं। मेरे बहुत ज़्यादा इस तरह होंगे थे जब मैंने डाई लिया था। ओके, जो रेडी होते हैं बाकी। ओके जी, मैं रेडी हो चुकी हूँ। और पीछे का मैस पत देखिएगा, बहुत ज़्यादा मैस क्रिएट हुआ हुआ है क्योंकि हम इतना थके हुए थे, तो आके हमने सारा सामान ऐसे फेंके सो गए थे। तो आज हम रेडी होके जा रहे हैं। और मैंने जो है बहुत बड़ी उससे, मतलब कि मैं पाकिस्तान वाला टाइम वो समझी माहौल कि यहाँ पे मास्क वगैरह उतर गए, तो मैं फुल तैयार होगी मेकअप शेकअप करने के बाद में। मुझे याद है यहाँ पे तो कहीं भी एंटर नहीं होते आपको विदाउट मास्क, इतनी ज़्यादा यहाँ पे मतलब स्ट्रिक्टनेस है इस मामले में, अच्छी बात है। तो लेकिन मुझे पाकिस्तान वाला टाइम याद आ गया, तो मुझे लगा था वहाँ पर तो अब मास्क कोई पहनता ही नहीं है। ओके, तो खैर आज मेकअप कर लिया, कल से फिर मैं सिर्फ सनस्क्रीन अप्लाई करके जाऊँगी। ये एक आसानी है कि मतलब आपको तैयार होना नहीं पड़ता, सिर्फ मास्क पेयर किया और चले गए। ओके, बस फिर अब जो है हम रेडी हो जाने लगे हैं। तो आज हमने सोचा कि यहाँ पे जितनी भी पास पास है, हम फुट डिस्टेंस पे जगह है क्योंकि हम मिड में हैं सिटी के, तो हम वहाँ हर जगह जाएंगे। और वैसे मुझे चलने का एक्साइटमेंट मुझे इस चीज़ की, क्योंकि मैंने अपने हस्बैंड से कहा कोई कैब कोई भी हमने टैक्सी जो है वो नहीं लेनी, क्योंकि मेरे पैदल चलने का मूड है। मौसम भी अच्छा है, रात यहाँ पे काफ़ी बारिश हुई और इतनी शुक्र है गर्मी नहीं है जितनी पाकिस्तान में। मुझे लग रहा था यहाँ पे बहुत होगी, है गर्मी लेकिन इतनी नहीं है फिलहाल, और बिल्कुल पास पास है। तो फिर मैंने कहा था हम टैक्सी नहीं लेंगे, ऐसे ही चलते हैं। मेरा दिल कर रहा काफ़ी टाइम से कि मैं वॉक पर जाऊँ, मतलब कि अब हर टाइम, एक तो मैंने ब्रेकफास्ट बहुत हैवी किया तो इसलिए फिर चलते हैं। बाकी जो है ये जो ड्रेस है ये मैंने H&M से ली थी शर्ट, तो ये बैलून स्लीव्स हैं। बैलून स्लीव मैंने फर्स्ट टाइम पहनी है, लेकिन मुझे लग रहा था मेरे पे सूट ही करेगी, लेकिन ये मुझे वैसे ही पर्सनली बहुत पसंद है। ओके, फिर अब मिलते हैं, चलें जी निकल।
निकल रहे हैं, कहाँ भाग के जा रहे हैं। और फिर मैं बाहर जाकर तो देखती हूँ कि मौसम कैसा है, मौसम के अकॉर्डिंग अगर हमसे बाहर फुट चला गया तो फिर ठीक है, हम चलें कैसे। अगर इस टाइम गर्मी होगी, क्योंकि अभी 11 बज के, पूरे 11 बजे हम निकले हैं, 10 बजे मॉल ओपन होता है, तो फिर नहीं तो हम एक कैब कर लेंगे। हम बाहर आ गए हैं, चलो ये यहाँ पे बिल्कुल ये सामने हमारा होटल है, अपोजिट साइड में बैठ के, और ये है मॉल, तो सामने बिल्कुल अपोजिट क्रॉस। मुझे लगा था शायद 2 मिनट के फास्ट में होगा, लेकिन ये तो बिल्कुल अपोजिट क्रॉस करके। तो फिर ठीक है, हम जा रहे हैं फॉरएवर 21। ये 3 फ्लोर पे ही है ना। फिर शुक्र अभी सुबह सुबह का टाइम है ना, हम जल्दी आ गए, अभी इतना रश नहीं है। अभी हम लेवल 4 ढूंढ रहे हैं, ये भी काफ़ी बड़ा मॉल है, इतने ढूंढने एक जगह जाने में बहुत टाइम लग जाता है। काफ़ी टाइम लग जाएगा। ओके चलें, अब हम सोच रहे हैं दूसरे वाले मॉल पे चलें, पहले हमने कैश जो है वो रिसीव करना है, देन चलें। पहले पैसे ना ले लें। अब हम जा रहे हैं दूसरे को, इतना रश है यार, आपको दिखाती हूँ बहुत ज़्यादा रश है। जाके पहले पैसे ना लें, अब हम दूसरे मॉल जाएँ, पहले पैसे लेने जाने हैं। चलो फिर यह कैश कितनी दूर है, आ जाओ। हमने ए वाला मॉल भी ऑलमोस्ट सारा घूम लिया, बहुत बड़ा था। अब हम सोच के दूसरी जगह चलते हैं, क्योंकि गर्म मौसम अच्छा है, रात बारिश हुई थी, फिर इतनी गर्मी नहीं है, मुझे तो बहुत मज़ा आया था। अब हम चलते हैं। मलेशिया की एक जो है लोकल मार्केट है, लोकल शॉप वहाँ पे आए हैं, और यहाँ पे काफ़ी रीजन में बहुत ही सस्ते से हैं ड्रेसेस। इनका नाम जो है रजा स्टेज है, बहुत ही रीजन में बहुत अच्छे हैं, लेकिन स्टफ थोड़ा जो है इनका विंटर स्टफ है, अभी जब मुझे समर का नज़र तो नहीं आया, लेकिन बहुत अच्छे और रीजन है दादा, अभी तक जो मैंने ड्रेसेस तो मैं देखती हूँ। ये है यहाँ पर चाइनीज़ स्टोर है, और यहाँ पे हम स्नैक्स देखने आए हैं, क्योंकि हमें हलाल स्नैक्स मिल जाए, लेकिन एज यू नो ये चाइनीज़ है, तो मुझे यहाँ पे अभी तक तो कुछ नहीं पसंद आ रहा, उसी चीज़ें देखने में बहुत क्यूट लग रही है, तो बस हमने सोचा वैसे देख लेते हैं, मे भी कोई चीज़ हलाल मिल जाए। What a big bed. What is this drink? Okay, ये क्या है? एक तो चाइनीज समझ भी नहीं आ रही मुझे, ये एप्रिकॉट है, ड्राई एप्रिकॉट। बारिश हो रही है दोबारा, जो इतना अच्छा मौसम हो रहा है, शुक्र है। कल भी गर्मी इतनी नहीं थी कि थोड़ी थोड़ी थी, और 3 बजे और तकरीबन 4 बजने वाले बल्कि अब तो बारिश स्टार्ट हो गई। हम दूसरे मॉल जा रहे हैं, सारे काम हो गए, और बहुत लोकल मार्केट से भी हो गया, करेंसी भी एक्सचेंज वाली। अब हम जा रहे हैं स्टोर में, तो यहाँ पर वेदर बहुत अच्छा हो गया, और यहाँ पर हर थोड़ी थोड़ी बात आ रही है। एक टर्किश रेस्टोरेंट हमें मिला है यहाँ पर,
और इनके जो इन्वायरमेंट है मुझे बहुत अच्छा लगता है। इंग्लिस हम सोच रहे हैं कि यहाँ पे जो सीरियल्स हैं और टर्किश कैब है, हम सोच ही रहे हैं कि टाइम भूख तो नहीं है बिल्कुल भी। तो बहुत अच्छा, आपको भूख लगी है? मुझे सर टर्किश कैबा पीना है, माफी। अच्छा तो मुझे, हाँ अच्छा बहुत था, लेकिन भूख नहीं है बिल्कुल भी। तो ज़बरदस्ती ठोसने का कोई फ़ायदा नहीं है, कैलोरीज लेने हैं। यहाँ पे मेरी एक पिक्स तो लें, यहाँ से वापस जा रहे हैं। यहाँ पे हमें कुछ भी पसंद नहीं आया क्योंकि यहाँ पे अभी ओपनिंग नहीं हुई सारी स्टोर्स की, तो जितनी भी थी हमने वहाँ पे विज़िट किया। मुझे एक टर्की शॉप था वो बहुत अच्छा लगा, लेकिन हमने वहाँ भूख नहीं इसलिए नहीं खाया। बाकी यहाँ पे स्टोर से भी ओपनिंग नहीं हुई, तो अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है, ओपन हो रहा है। अभी हम जा रहे हैं कुछ रेस्ट के लिए, तो रेस्ट करने के बाद जो है फिर इसके बाद फिर हम शाम को प्लान करेंगे। वैसे मौसम तो बहुत अच्छा हो रहा है, मैं दिल नहीं कर रहा, लेकिन जो मेरे हस्बैंड है वो थक चुके हैं, इसलिए फिर हम थोड़ी देर तक आएंगे। ओके जी, अब हम वापस आ चुके हैं, अब हम कुछ रेस्ट के लिए जा रहे हैं। तो फिर हम शाम को निकलेंगे, अब हमारा ये प्लान है शाम को, उसके बाद रेस्ट करने के बाद। ओके अब निकलना है शाम को, ज़्यादा देर नहीं सोना, 6 o'clock डन। ऐसे मौसम तो बहुत अच्छा था, गर्मी भी नहीं थी, ऐसे ही आप आ गए। ओके जी, अब हम मिलते हैं कुछ देर बाद। आज का व्लॉग जो होता है वो यहीं पे एंड, रूम में लेट लेट कर तो कोई फ़ायदा नहीं। तो मिलते हैं कुछ टाइम के बाद, सी यू लेटर। ओके आपने वीडियो को सब्सक्राइब और चैनल को शेयर करना नहीं भूलना। अल्लाह हाफिज़। रूम की तो लिंक भी हो रही है। इतना मस्त ठीक है, बस फिर क्या कर रहे। फिर हम मिलते हैं फिर नेक्स्ट व्लॉग नेक्स्ट डे पे। टिल देन वेट, अल्लाह हाफिज़। और आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को शेयर करना नहीं भूलना। ओके फिर अल्लाह हाफिज़।